पे स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पबजी न्यू स्टेट के कुछ लीक्स जो मेरे पास हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। आज की वीडियो में बात करेंगे रॉयल पास के रिगार्डिंगली, बात करेंगे इमोट्स वगैरह जो है उसके रिगार्डिंगली, और जो नई गन है उसकी रिगार्डिंगली बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। वीडियो में शॉर्ट आउट जो मिलता है वही वो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो भाई कमेंट कर देना एक अच्छा सा, तो अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट आउट देने की। तो भाई वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पबजी न्यू स्टेट का जो लॉबी है उसके बारे में। तो भाई पुरानी लॉबी भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जब पबजी न्यू स्टेट का जो फर्स्ट अल्फा आया था। ये वाली जो लॉबी आप देख रहे हैं ये सेकेंड अल्फा वाली लॉबी है पबजी न्यू स्टेट की। तो आप इसमें देख सकते हैं नीचे की साइड आपको राइट हैंड साइड पे स्टार्ट बटन के पास दिख जाएगा, यहाँ पे सीजन वगैरह है, इन्होंने मिशन वगैरह मेंशन किया है, इन्वेंटरी वगैरह है, और साथ में आपको एक मिशन वाला एक कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ये अच्छी तरह से अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो मे बी शायद फ्यूचर में इसको इसकी सेटिंग्स जो है वो किसी और जगह पे ये लोग कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी देख रहे हो स्टार्ट बटन के ऊपर ये चीज आ रही है, तो ये मे बी शायद फ्यूचर में चेंज हो सकता है। और साथ ही अगर आप ऊपर को देखोगे जो मैंने येलो कलर से जो आउटलाइन किया हुआ है, तो उसमें देख सकते हो यहाँ पे पास वगैरह भी है और स्टोर वगैरह भी बना हुआ है, और साथ में जो टीन डॉट है वो तो भाई सेटिंग्स वगैरह है न्यू स्टेट की जो आप ग्राफिकल सेटिंग वगैरह करते हो। और सबसे टॉप पे आप देखोगे तो तीन तरह के जो कॉइन्स वगैरह है उसमें मिलने वाले हैं। इसमें से जो एक कॉइन्स रहेगा वो तो रहेगा भाई आपका एनसी, जो आप जैसे पबजी मोबाइल के अंदर यूसी होते हैं उस तरह इसमें एनसी रहेगा, और एक जो कॉइन है वो भाई अपना जी कॉइन रहेगा, और दूसरा जो है अपना बीपी वगैरह जो रहेंगे जो आपको फ्री में मिलते हैं। तो भाई ये अगली जो आप ये इमेज देख रहे हो इसमें भाई साफ साफ लिखा हुआ है एक चीज के बारे में, मैं आपको बताने वाला। देखो सबसे पहले तो हाई ग्राफिक और लाइटिंग इफेक्ट इन्होंने इसमें डाला है, क्योंकि गेम पता है भाई बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, और साथ में ऑप्टिमाइज किया है, तो भाई अच्छे मतलब जो लो एंड डिवाइस है उसमें भी काफी अच्छा चल रहा है। मेरे कुछ यार दोस्त खेल रहे थे, उन्होंने बोला कहीं काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है मतलब। तो भाई अभी इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है लास्ट बट नॉट लेटेस्ट वी क्रिएट इन ए गेम वीडियो चैट फीचर टू इम्प्रूव कम्युनिटी इंटरेक्शन। तो भाई अभी ये क्या सीन होने वाला है कि ये लोग जो है वीडियो कॉलिंग का फीचर डालने वाले हैं इन गेम के अंदर, या आप वीडियो कॉल पे जो है बात कर सकते हो इजिली। तो वो मैं आपको भी आगे दिखाने वाला हूँ वो कहाँ पे है वो फीचर। तो ये भाई ये जो पिक्चर है ये फर्स्ट अल्फा वाली पिक्चर है, और इसके अंदर आपको इरेंगल मैप देखने को भी मिलेगा, और सबसे टॉप पे आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक कैमरे वाला ऑप्शन है, तो मतलब एक माइक वाला भी ऑप्शन है और एक कैमरे वाला भी ऑप्शन है। तो अभी फिलहाल के लिए बंद है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि गैलरी के अंदर जो है आप वीडियो कॉल पे बात कर सको, तो ये फीचर भाई आ जाएगा, तो मजा आ जाएगा वीडियो कॉल पे बात करने का। अभी इन गेम जब आप गेम को खेलोगे उसके अंदर ये फीचर आएगा नहीं आएगा उसके बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आप गैलरी के अंदर इसको मतलब लॉबी के अंदर आप इस फीचर को देख सकते हो कि इन गेम में वीडियो कॉलिंग का फीचर ये लोग दे रहे हैं। और ये वाली जो लॉबी है ये पुरानी लॉबी है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और इरेंगल मोड भी देखने को मिलेगा। इरेंगल मोड से ऊपर अगर आप गौर करके देखोगे तो इसके अंदर एक रैंकेड मैच भी है, रैंकेड मोड भी है, और अपना अगर आप राइट हैंड साइड पे नीचे देखोगे तो किसी तरह के टूर्नामेंट वगैरह के रिगार्डिंगली कुछ चीज आ रही है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो इसमें जो इन गेम वीडियो वाला फीचर है वो भाई बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है, दोस्तों से बात करने के लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो अभी ये जो आप देख रहे हो ये कस्टम मैच है, अगर आप कोई रूम वगैरह क्रिएट करते हो तो आपको वो इस तरह से दिखाई देगा, ये सेकेंड अल्फा का है तो भाई आप को इस तरह दिखाई देगा, तो आप इसमें ज्वाइन भी कर सकते हो। और इसमें सबसे अच्छा एक फीचर नया ऐड हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये जब आप ज्वाइन कर लोगे तो इस तरह से दिखाई देगा, और इसके साथ में आपको आपको राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्पेक्टेट का। तो भाई अब इसके अंदर आप जितने मर्जी बंदे ऐड कर सकते हो, फिलहाल के लिए तो यहाँ पे मे भी शायद 8 या 10 बंदे हैं। तो ये सबसे अच्छा फीचर है कि अगर आप कोई टूर्नामेंट वगैरह करा रहे हो या कोई चीज करा रहे हो तो आपके पास 3 से 4 लोग हैं, तो वो भाई अलग अलग तरह से सबको स्पेक्टेट कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि हैकर्स वगैरह अगर किसी कस्टम मैच के अंदर आते हैं तो भाई उसके अंदर आप स्पेक्टेट ऑप्शन से काफी ज्यादा लोगों को एक ही बार में देख सकते हो अलग अलग आईडी से। तो ये भाई बहुत अच्छा फीचर होने वाला है न्यू स्टेट में आने वाले टाइम में। तो भाई ये वाला जो है ये है भाई रैंकिंग सिस्टम वाला, ये आपने देखा होगा ये रैंकिंग सिस्टम वाला है।
जो इन्होंने इसमें ये थीम बना रखी है व्हाइट कलर की, तो ये भाई बहुत ही बढ़िया है। ब्लैक वाले से पबजी मोबाइल के अंदर जो है भाई उससे ज्यादा बेटर मुझे ये वाली थीम लग रही है, क्योंकि ये एकदम कलरफुल है और काफी ज्यादा अच्छी भी लग रही है देखने में। तो यहाँ रैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड साइड पे गोल्ड है, इसमें भी गोल्ड है, कॉन्करर है, सिल्वर है, आप नीचे देख सकते हैं सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे गोल्ड को पार करने के लिए आपको कम से कम 5 स्टेप जाने पड़ेंगे। इसमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, मतलब 5 स्टेप आपको जाना पड़ेगा तब जाके आप गोल्ड से ऊपर प्लेटिनम में शिफ्ट करोगे। तो और यहाँ पे आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रेम दिखाई दे रहे होंगे, तो मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे आप गोल्ड का फर्स्ट स्टेप पार करो तो आपको एक फ्रेम मिले, या दूसरा स्टेप पार करो तो कुछ और मिले, मतलब कोई आइटम मिले। ये फ्रेम नहीं है एक्चुअली, सॉरी, ये आइटम है या फ्रेम भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज्यादातर चांसेस है कि ये आइटम है, कि हर स्टेप पे आपको जो है आइटम मिले एक्स्ट्रा पबजी न्यू स्टेट की तरफ से। तो भाई ये अगली जो इमेज है ये भाई सेशन का जो आपका ओवरव्यू है उसके रिगार्डिंगली है। अभी फिलहाल के लिए जो सर्वर पे टेस्टिंग चल रही है वो ऊपर दिख रहा है भाई, KR और जापान है, मतलब जापान और कोरिया का है। तो सेशन ओवरव्यू में अभी कोई रैंकिंग अभी तो फिलहाल के लिए टेस्टिंग पर्पस का ये इमेज टेस्टिंग वाली है, तो इसके अंदर अभी इतनी ज्यादा चीजें कोई मेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो अभी मैंने पिछली पिछले स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया था, कि जैसे आप अप लेवल पे जाओगे तो उस तरह उस पे आपको आइटम्स वगैरह मिलेगी। तो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ग्लव्स है, मास्क है, शूज है, कैप है, तो ये भी शायद एक स्टेप बाय स्टेप है कि जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे तो आप सामान इजीली कलेक्ट कर पाओगे। अभी यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे देख सकते हो सेशन जो है 125 है, ये टेस्टिंग वाला है तो इस पे मत जाना। तो यहाँ पे जो है आपके सेशन वगैरह लिखे आएंगे 1 2 3 4 जो भी रहेगा, और जो जितने भी सीजन वगैरह है वो जो है आपके भाई 60 डेज के रहने वाले हैं, यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। और सबसे बढ़िया बात ये है कि उसके अंदर डेट भी मेंशन हो, मतलब दिन मेंशन होंगे कि अभी 30 डेज हो गए हैं या 32 डेज हो गए हैं या 35 हो गए हैं, आप राइट एंड लेफ्ट एंड राइट भी नीचे उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे भाई अभी आप सिंगल और अपना डुओ सब और अपना ये जो है 4 पीपल वगैरह जो टीम बनती है उसमें भी आप ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल ऊपर अगर आप राइट एंड साइड पे टॉप पे जाओगे तो वहां पे आपको BP और G कॉइन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर अभी जो UC के नाम पे जो करेंसी नई इसमें ऐड हुई है वो देखने को फिलहाल के लिए नहीं मिलने वाली है, तो फिलहाल के लिए सही है। अभी यहाँ पे ये अगली अगली इमेज है, इसके अंदर आपको मिशन दिखेंगे, डेली मिशन जो आपके रिसेट होंगे वो हर 24 घंटे के बाद होंगे। और यहाँ पर आपको 3 ही मिशन में भी शायद एक दिन में देखने को मिले, और जिनके अंदर आपको आइटम वगैरह देखने को मिले, और वीकली भी मिशन रहने वाले हैं इसके अंदर, तो देखते हैं भाई कैसे सारा सीन होता है। तो ये है भाई आपकी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का लुक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बना दिया इन्होंने, बहुत ही ईजी बना दिया, इजी टू सी बना दिया, आप इजिली जो है वो मतलब जो लेआउट वगैरह काफी ज्यादा आसान बना दिया है। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे आपके कपड़े, गन्स, कार की स्किन, जो भी आपके बम वगैरह रहेंगे, इमोट्स वगैरह रहेंगे और क्रेट वगैरह जो रहेगी वो सारा को इधर राइट हैंड साइड पे देखने को मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो ड्रेस के ऊपर जो है एक शेयर वाला बटन भी आ रखा है, शेयर करने वाला भी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये शायद इन गेम में हम ही किसी को दे सकते हैं, शायद मैचिंग अपनी टीम को दे सकते हैं या फिर किसी को दे सकते हैं। तो ड्रेस आप शायद इसमें शेयर कर सकते हो क्योंकि इसमें शेयरिंग वाला ऑप्शन दिखाया हुआ है भाई। तो ये है भाई अगला, तो ये जो इन गेम के अंदर भी आपने अभी ट्रेलर आया था लास्ट, उसके अंदर भी देखा होगा, तो ये भाई मिशन रहने वाले हैं। और मिशन का थोड़ा मैं आइडिया बता दूं किस तरह के रहने वाले हैं, यहाँ पे लिखा है भाई ऑब्टेन 3 पैक ऑफ एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स फ्रॉम अराउंड ट्रॉय मैप। तो यहाँ पे भाई कुछ लोकेशन दी है, तो ये बता इस तरह के मिशन रहने वाले हैं। और मिशन का जो रिवॉर्ड है वो आपका NP पॉइंट है या कुछ भी हो सकता है, अभी इससे क्या पता आप कुछ खरीद सको या फिर कोई और चीज हो। लेकिन वीकली 4 मिशन, हर वीक में 3 मिशन आपको मिलेंगे करने को, तो ये भी भाई काफी अच्छी चीज है, अभी न्यू स्टेट में आने वाली है। तो ये है भाई नया वेपन जो आप देख सकते हो, ये नया वेपन है AMP DSR-1। तो भाई इसका नाम नया हो सकता है, कुछ भी नया नाम आ सकता है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था। तो भाई इस तरह की ये गन्स होने वाली है, तो आपके सामने देख सकते हो भाई, और ये AWM से ज्यादा पावरफुल होने वाली है भाई। तो भाई ये NC, तो पबजी के अंदर UC होते हैं, तो भाई पबजी न्यू स्टेट के अंदर जो है आपको NC पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ पे दो दो तरह के पास होने वाले हैं, उनके लोगो आप देख सकते हो भाई, पेड पास और फ्री पास। और साथ में ये आपको पैन के अलावा जो आइटम मिलने वाली है डिफॉल्ट में गेम के अंदर, जिनको आप थ्रो भी कर सकते हो, वो है भाई पैन है आपका, कुल्हाड़ी है, रेंच है, और आपका एक फावड़ा बना हुआ है अभी खोदने के लिए। तो
ये भी आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर आपको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे, आप कंट्रोल सेटिंग में राइट हैंड साइड पे देख सकते हो, और साथ में शायद आपको फ्यूचर के अंदर जो है 6 सीटर भी कोई गाड़ी देखने को मिले, क्योंकि इन्होंने पावर ले में ये 6 सीटर बनाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 6 सीटर कोई बस वगैरह या फिर ऐसी कोई चीज फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इमोड्स की, तो भाई जो भी इमोड्स हैं वो भाई इस तरह के इमोड्स हैं, अभी देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, तो काफी अच्छे ये इमोड्स हैं। इसमें से कुछ इमोड्स जो है वो शायद फ्री रहने वाले, जो मिलने वाले जो पबजी के अंदर मिलते हैं उससे शायद ज्यादा हमें जो है फ्री इमोड्स देखने को मिले। बाकी जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो तो आपने ऑलरेडी देख ही लिए हैं इसके अंदर सारी चीजें, तो एक नया भी ये व्हीकल ऐड हो सकता है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी पबजी न्यू स्टेट से जुड़ी हुई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, और साथ में बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ फ्यूचर में वीडियो में, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें फ्यूचर में आने वाली है, न्यू स्टेट से पहले बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो भाई आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय न्यू स्टेट। और शॉर्ट आउट वाला जो पार्ट है वो अब इस वीडियो के बाद आएगा, तो आपको शॉर्ट आउट चाहिए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो भाई आज की वीडियो को शॉर्ट आउट जाता है स्प्रे गॉड को, अंश भाई को, इनसेन बॉय गेमिंग को, आयुष भाई को, टोटल माइंडेड को, न्यू एरिया गेमिंग को, और साथ में लेजेंड बॉय को। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड लव। आपको भी अगर शॉर्ट आउट चाहिए तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दो, फटाफट अगली वीडियो में आपको शॉर्ट आउट मिल जाएगा। टेक केयर।